गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ। अब रेडी होके जा रहा हूँ जिम। आज थोड़ा जल्दी उठा बट फिर भी लेट तो हो ही गया हूँ थोड़ा बहुत। सोचा था जल्दी निकल जाऊँगा, टाइम से पहुँच जाऊँगा, रोज़ लेट हो रहा हूँ यार। आ गया हूँ कार में मैं, अब जा रहा हूँ जिम। यार एक तो ना वीडियो बनाने का है कि हम गाने नहीं सुन सकते, पता ही होगा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या फिर वो ऑडियो प्रॉब्लम होती है तो सुनाई नहीं देता कुछ। एंड सबसे मेरा फेवरेट पार्ट वही था कार चलाते चलाते गाने सुनना, और ये कार चलाना मुझे वैसे ही पसंद है और फिर गाने तो फिर पर कोई नहीं, करेंगे मैनेज। अब ऐसा भी नहीं कि सुन नहीं सकते, मतलब हाँ कि जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब। भाई बहुत मेहनत है यार व्लॉगिंग में यार, हैट्स ऑफ जो करता है ना। तो पहुंच गया हूँ मैं जिम, कार करी बंद, अब जाता हूँ ऊपर वर्कआउट करता हूँ। हुआ तो रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा यार, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो ना रिकॉर्ड नहीं करा जाता और कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ सही बताऊँ तो। फैट, और मैं पहले ही कोई वीडियो दिखाऊंगा ना, छोटी सी क्लिप हुआ ना मिली तो मैं डालूंगा। एंड अब देखो तो बाल शॉर्ट करा लिया मैंने ज्यादा, तो उससे वजह से भी है, बट आ गया है फैट। स्टूडेंट पे लिखा होता ना शेक वेल बिफोर यूज, वो देखो इसलिए लिखा होता है, नहीं तो ये। तो यार ये मेरा जिम, ये पूरा बैग रखने का एरिया है, ये बाहर का एरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था अपनी, एंड ये वॉशरूम वगैरह, ये है पूरा जिम अंदर का। अभी भी भाई बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए बॉडी में, बट ये मेरा मेन गोल तो है फैट लॉस। मसल बिल्डिंग पर भी मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, वैसे ज़रूरी दोनों है पता है, फैट लॉस के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है तो, बट मैं इतना वेट ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करूँगा, मेनली कार्डियो पर रहेगा, वेट ट्रेनिंग थोड़ी कम। तो वर्कआउट तो हो गया मेरा, अब जा रहा हूँ मैं, कुछ सामान लेना है मेरे को, मम्मी ने कहा था कुछ सामान लेना है, फ़ोन कर लियो, मैं करता हूँ फ़ोन मम्मी को, एंड अकेले भी लेके जाने आता उसको। मैंने किया अभी मम्मी को फ़ोन, मम्मी को थोड़ा फीवर फील हो रहा है और मेडिसिन मंगाई थी तो वो तो ले लिया मैंने,
अब जाना है यार लेने केले घर के लिए, और केले तो ज़रूरी है क्योंकि मैं वर्कआउट करने से पहले, क्योंकि प्रोटीन शेक पीता हूँ आधा स्कूप और एक केला, थोड़ी एनर्जी आ जाती है, खाली पेट होता नहीं है मेरे से, बहुत पहले से आदत पड़ी हुई है ना करने की। खाली पेट ये भी होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा जैसे आपको वॉमिटिंग फील होता है ना करते टाइम, वॉमिटिंग या फिर एनर्जी नहीं रहती, फटीग महसूस होता है, तो वो उसी की वजह से होता है क्योंकि खाली पेट वर्कआउट करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट भाई। तेरा इधर ही रख दूँ? ले आया मैं दवाई। जम जाता है यार हनी ठंड में ना ये। ओट्स मैंने बना लिए हैं, रख दिए टेबल पे, जब तक वो ठंडे होंगे मैं नहा के आऊँगा। एंड अभी बाहर ना मम्मी ने भजन वजन चला, मम्मी ने क्या हम सुबह सब भजन ही सुनते हैं बाहर, टीवी पे भजन चल रहे थे, इसलिए मेरे को अंदर आके रिकॉर्ड करना पड़ा ये। अब मैं नहाने के बाद खा पी के निकलूँगा ऑफिस, एंड ये मेरा रूम है, पूरा नहीं दिखाऊँगा गंदा हो रखा है, बहुत फैला पड़ा है, तो कभी जब साफ़ होगा तब पूरा दिखाऊँगा। गाइस हो गया हूँ मैं रेडी, अब निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। एक तो ना मेरे को यार ये नहीं पसंद, मेरी जो पार्किंग है वो दूर है मेरे टार से ना, क्योंकि हमारे हमको एक पार्किंग मिली थी जिसमें पापा खड़े करते हैं, एंड जो दूसरी है वो थोड़ी मेरे को दूर मिली है, तो वो चलना वलना ना तो थोड़ा दिमाग खराब हो। तो गाइस मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए, एंड आज वैसे कुछ मान लेना नहीं है मेरे को, आज डायरेक्ट ऑफिस ही जाना है। बंदे कितने बैठे हैं आज? कितने? और हेल्पर आए दोनों?
क्या? दुनिया बहुत जल्दी जाने वाली है। इंसानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है। अच्छा, कलयुग आ ही गया है, भ्रष्ट युग तक आते आते दुनिया समाप्त हो जाएगी। यही तो हम लोग का गलत फहमी है। जब हम लोग को पैदा ऊपर वाला कर सकता है तो हम लोग को मिटा नहीं सकता। अरे मरेंगे तो साथ में तो मरेंगे। हाँ साथ में, यही तो मैं सारी दुनिया का बात कर रहा हूँ। और क्या, बच के भी क्या करना, जब सारे मर जाएंगे, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, जब सब कुछ बंद हो जाएगा। मेरा ये इंस्टाग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम ये ठीक है, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम पे। इसमें गाना वाना कैसे आता है? इंस्टाग्राम पे थोड़ा आते हैं। हाँ आता है, मतलब वो तो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो तो वीडियो जब खुद बनाते हैं उसकी कह रहे हो ना। बोलो मैं बताऊँ, कैमरा आ गया ना ऊपर, आइकन आ गया, ये बनाने का चूज करना पड़ता है उसमें। मेरे को इतना खुद भी नहीं पता मैं कहाँ जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो तो यूट्यूब पे ही है जो भी है। मैं सुबह से ना बिजी था, अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ एंड लंच वंच करके मैं बना रहा हूँ। मैंने कल एक्चुअली एडोब में वो डाला था अपना, ये वीडियो एडिट करने के लिए, वो थोड़ा बहुत एडिट हो गया था, बट अब जब मैंने खोला है तो ये जो ऐप वो है एडोब की एप्लीकेशन जो है, ये बार बार ना सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, ये चल नहीं रहा ढंग से, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो जितना मैंने किया था वो तो मेहनत गई, क्योंकि वो इसे भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने अब अनइंस्टॉल करके वापस अब दूसरा वर्जन जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखते हैं अब उसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तो मैंने एडोब लगा तो दिया है, इंस्टॉल हो रहा है अभी, देखते हैं थोड़ा टाइम लगेगा तब तक मैं ये अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते कैसा है यार। कल वाली बोर्ड की तरह आ गया तो वापस करना पड़ेगा। ये क्या है इसमें, ओ अच्छा, ये वो है छोटी छोटी जो घंटी होती है ना बेल मंदिर के लिए, जो उसमें टांगने के लिए होती है, हैंग करने के लिए। दिखाता हूँ अभी, अगर ये असेंबल मेरे से हो पाएगा तो। जैसे भाई ठीक है, मैं बोलता हूँ हेल्पर को, बोलता हूँ आ रहा हूँ, गाड़ी हटाऊंगी। अच्छा हाँ गाड़ी आ रहा हूँ दो मिनट। एक बेल का कितना रहता है तुम्हारा? एक बेल का कितना रहता है? 350। एक जो दूसरा आता है ना, एक और है पूजा ट्रांसपोर्ट करने का, ज़्यादा महंगा करता है। ये रेट होना चाहिए, उसको बोला है। तो अभी हमारा फैब्रिक आया है जोधपुर से, जिसके लिए कटिंग होती है ना, जिसमें से बनता है पूरी ड्रेस या फिर कुछ किड्स वेयर है, कुछ भी बनता है, तो उसके लिए फैब्रिक आया है। अभी कार हटाई है मैंने, तो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा यार वो। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं कर रहा हूँ यू टोरेंट से डाउनलोड, एंड यू टोरेंट से कुछ भरोसा नहीं होता टोरेंट का कि डाउनलोड होगा और होने के बाद चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसमें आई थिंक कोई फाइल मिसिंग है, तो एरर फिक्स करने के लिए बोल रहा है, पर वो हो नहीं रही हो। तो मैं उसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार वो हैंग हो रहा है, क्रैश हो रही है बार बार। तो मेरे को लग रहा है या तो आई विल जस्ट कीप ट्राइंग और फिर देखते हैं कहीं से हो जाएगा डाउनलोड, नहीं तो फिर मेरे को फिर एक ही ऑप्शन है कि खरीदना पड़ेगा यार, फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वीडियोज मैं बना चुका हूँ, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कोई है नहीं, और कोई दूसरा अगर सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता हूँ तो उसमें वाटरमार्क आएगा जो मुझे चाहिए नहीं, वो वीडियो में अच्छा नहीं लगता सही में। जैसे दो तीन है ऐप वो अपना नीचे वाटरमार्क छोड़ते हैं जिसपे लिखा रहता है वो ऐप का नाम, वो हटता नहीं है। एडोब में ये वाली चीज़ है नहीं कि वाटरमार्क रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लेट्स सी, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खरीदना ही पड़ेगा। और ये तो मैंने खोल ही लिया है, ये मैंने कहा था ना मंदिर में गया है मैंने अपने ऑफिस के लिए, खोलिया इसको असेंबल करना पड़ेगा यार। अभी असेंबल कैसे होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके साथ कुछ मिला नहीं, खोल के देखूंगा असेंबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी को बुलाऊंगा जो इसको फिट करके जाएगा पूरा वॉल पे। तो मैं निकल गया यार ऑफिस से, मम्मी का फ़ोन आया है, मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं यार, मम्मी की दो मिस कॉल थी, फ़ोन साइलेंट पे, पता नहीं कैसे हो गया, इसमें स्लाइडर है ना, तो आई थिंक जब मैं जेब में डाल रहा हूँ तो हो गया होगा। अब मैं जा रहा हूँ घर।
तो मैं आ गया हूँ घर, कार लगा दी पार्किंग, बहुत तेज तेज चला के लाए हैं यार मम्मी की वजह से। देखते हैं हम कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है कम ख़राब है। आई होप डॉक्टर के पास मिले जाना पड़े यार मम को। तो मैं पहुँच गया हूँ घर, मम्मी की तबीयत है वैसे ख़राब, थोड़ा कह रही है कि ठंड लग गई है, हल्का सा फीवर है, बॉडी पेन है। तो आई मीन उनको ठंडी लगी है, पहले पापा को थी तो पापा के थ्रू मम्मी को हो गई है, बट ठीक है, उनको ऐसे नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, बस रेस्ट कर रही हैं अभी। आई होप जल्दी ठीक हो जाए यार। तो गाइस डिनर वगैरह सब हो गया है मेरा, अब मैं आ चुका हूँ रूम में, मैं सोऊंगा क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, एंड सुबह मेरा जिम भी है। मैंने मम्मी को बोला है मेडिसिन लेके सोना, अब सुबह देखते हैं कि मम्मी की कैसी तबीयत होती है। आई होप यार ठीक रहे मम्मी की तबीयत। गुड नाइट, गुड नाइट।